Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. Krip Suri, who is currently seen on ZTV's show Jeet Gaye To Piya Mori, recently celebrated the festival of Karwa Chauth with his real-life wife Simran. So without any further ado, let's begin the celebrations with the puja ceremony. After this puja, we found out from Krip and Simran how do they celebrate the festival and more. Take a look. मैं तो इनका तो सिर्फ shooting है. मैं बताती हूँ मेरा day. shooting. Karwa Chauth is basically for wives. So morning में जैसे 4 बजे उठ के जो खाना पीना होता है वो, फिर सारा दिन पति को इंतजार याद में खोए रहो, फिर पूजा के लिए जाओ, फिर आओ, फिर पति के ख्याल में खोए रहो जब तक पति नहीं आते. क्योंकि भूखे पड़े थे, आएगा पानी पिलाएगा तो भूख तो लगेगी, खाना तो खाने को मिलेगा, इसी इंतजार में इसीलिए याद आती है. किसी चीज के लिए तो पति पत्नियां याद करती है ना पति को. आजकल लोग बहाने ढूंढते हैं याद करने के लिए, अदरवाइज देखो कितना जमाना हो गया. हाँ, तो जब पति आ जाते हैं तो पानी पी लेते हैं, फिर खाना खाने बाहर जाता है ना, वो बस उसी चीज के लिए वेट करते हैं कि हमें बाहर जाने मिलेगा. शाम को तो वॉट लगने वाली है, तो बस ठीक है. क्या होता है ना, ये ब्लैकमेल किया जाता है करवा चौथ का व्रत जिसने भी बनाया है ना, कसम से बोल रहा हूँ मैं, मतलब भूखी रहती है ये. जितना ऐसे बोल रहे हैं ना, ये उतने ही इमोशनली सारे फेस्टिवल्स को लेते हैं, और सीरियसली, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, ये बहुत सीरियसली लेते हैं इन सब चीज़ों को. इनको बहुत अच्छा लगता है मेरा सजना धवरना, फिर व्रत रखना, रात को इनकी वेट करना, एवरीथिंग ही लव्स. ये सब मजाक, जिन चीज़ों में इमोशंस जुड़े होते हैं, जिन चीज़ों में हमारे सभ्यता, हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, जिन चीज़ों में परिवार जुड़ा हुआ है, जिन चीज़ों में परिवार के सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो चीज़ें बहुत वैल्यूबल होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में. और उनको और वैल्यूबल बनाने के लिए हम सभी लोग, जितने भी इस दुनिया, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, हम सभी लोग उसको बहुत ही प्यार से बनाते हैं और खुशी खुशी मनाते हैं, ताकि हर चीज़ खुशी खुशी बीत जाए. हर रिश्ते को प्यार देते हैं, क्योंकि हर रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है. सो दैट्स व्हाट आई रियली रिस्पेक्ट इट. आई मीन दैट्स अ रीज़न आई रिस्पेक्ट ऑल द रिचुअल्स, यू नो, और देयर इज़ नो अदर रीज़न, बिकॉज किसी लंबी उम्र भूखा रख कर किसी को, मतलब अगर कोई पत्नी है वो भूखे पूरा दिन भूखा है, एक अपने पति की लंबी उम्र के लिए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि भूखे रहते हुए पत्नी की जान चले जाए, तो कितनी, मतलब कितनी जिंदगी भर के लिए वो गिल्ट में मर जाएगा पति. यू नो दैट्स लाइक फॉर मी इट्स रिचुअल. सो आई बिलीव दैट अपने आपको दुख देके, अपने आपको पेन देके कभी ऐसे काम नहीं करना चाहिए, बट अगर करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट पूरी है. मैं उसका उल्टा करती हूँ. मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी लाइफ हो इनकी, अच्छे से खुशी से और अपने सारे ड्रीम्स पूरे करके जाएं. थैंक यू सो मच. सो आई, दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट ऑल द रिचुअल्स, दैट्स इट. मैं कुछ भी नहीं चाहती इनमें चेंज हो, क्योंकि मुझे ये जैसे है वैसे पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा वैसे ही रहे. वाओ, दैट्स लवली. सी, बदलाव क्या होता है ना, बदलाव इंसान को सिचुएशंस और एटमॉस्फेयर के हिसाब से करना पड़ता है. किसी के कहने पर कभी कोई बदलाव आता नहीं. जब मौसम नहीं बदला हमारे कहने पर, नेचर नहीं बदलते हमारे कहने पर, तो इंसान से हम क्यों ऐसे उम्मीद लगा के बैठे. लेकिन क्या होता है, सामने वाला इंसान बदलाव इसलिए लेके आता है क्योंकि उसको उस रिश्ते की कदर होती है, तो उस कदर के लिए इंसान बदलाव लेके आता है. एंड दैट्स द ओनली रीज़न, दैट्स इट. ये ऑफकोर्स इंडिया फोरम्स के सारे दर्शकों को, सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से और मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं. यस, प्लीज एंजॉय. ऑफ कोर्स माय ऑल फैंस, जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे अब तक ढेर सारा जो प्यार दिया है, बहुत सारी उनके चिट्ठी पत्र और मेल्स आते हैं मेरे पास. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सबके पढ़ नहीं पाता क्योंकि इतना समय नहीं मिलता, बट सभी लोग जिन्होंने मुझे अब तक जितना प्यार दिया है, सराहा है, उन सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार. एंड गाइस, प्लीज़ कीप लविंग मी लाइक दिस ओनली, बिकॉज आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं भी नहीं. सो अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूँ, तो प्यार करते रहिए, क्योंकि प्यार ही तो चाहिए बस, और कुछ नहीं. थैंक यू. Lastly, we made the duo sing and dance. Here's a glimpse of the same. Kalle reh gaya, aankh ke beh gaya,
अग जा दिल के सर ना विरह गया अपने सी जो गए डोब के अपने सी जो गए डोब के लबे ना किनारा हुन नहीं गुजारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुन नहीं गुजरदा यारा सारी सारी रात पावा पात कंदा परण हूंगा Now, how much did you guys enjoy Kripan Simran's Karwa Chauth celebrations? Do comment below and let us know. Hi, I'm Krip Kapoor Suri and you're watching me on India Forums. And please do subscribe to YouTube channel India Forums. Ashima Chavra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.